सबसे पहले हम यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने ऐसे डार्क चॉकलेट ली है, दो 25 रुपीज़ की आती है। इसकी जगह पे आप डार्क चॉकलेट कंपाउंड्स भी यूज कर सकते हैं। मैं चॉकलेट ले रही हूँ, तो ये दो चॉकलेट्स को मेल्ट करूंगी और इसको ये डबल बॉयलर मेथड के साथ मैं इसको मेल्ट करूंगी। तो ये पानी गर्म होने दूंगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर इस तरीके का एक कांच का बर्तन ले रही हूँ, इसमें मैं चॉकलेट को मेल्ट करूंगी। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे। हम इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि चॉकलेट जले नहीं। अगर वो जल जाती है तो फिर उसका टेस्ट थोड़ा सा खराब आता है। तो हमें इसको लगातार चलाते रहना है। जब भी थोड़ी सी मेल्ट होने लग जाए तो इसको प्रॉपर कंसिस्टेंसी में लाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। तो पहले तो इसको मेल्ट होने देते हैं एक बार। चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें बटर डालेंगे। तो मैंने ये 45 रुपीज़ वाला बटर लिया है। ये मैं हाफ बटर एक बार मैं इसमें डालूंगी, इसको प्रॉपर कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। वरना फिर कैसा होता है कि हम इसको ऐसे ही रख देंगे तो ये थोड़ी सी देर में थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो बटर डालने से वो हार्डनेस नहीं आएगी इसमें। तो हम इसमें बटर ऐड करेंगे। बटर मैं इसमें लेती हूँ। मैंने ये 45 रुपीज़ वाला जो बटर आता है अमूल का, उसका हाफ लिया है। अब मैं इसको लगातार चलाऊंगी, प्रॉपर मिक्स करूंगी। बस अब ये बटर मेल्ट हो तभी तक हमें इसको गैस पर रखना है। ये बटर मेल्ट अच्छे से हो जाए, मिक्स हो जाए, उसके बाद हमें गैस बंद कर देना है। प्रॉपर मिक्स करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर हो जाए। कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी मैंने की है, यू कैन सी। गैस भी बंद कर दिया है मैंने ताकि चॉकलेट जले नहीं। अब इंग्रेडिएंट्स में हम ये एक कटोरी मैंने मैदा लिया है, ये ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स मैदा है। उसका हाफ ऑफ द कप मैंने 100 ग्राम्स पाउडर शुगर लिया है। फिर ये 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। फिर ये वनीला एसेंस, हाफ टेबलस्पून वनीला एसेंस लेंगे। एंड दूध ये मैंने मिल्क थोड़ा सा निकाला है। इसको हम फाइनल केक की बैटर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जितना भी दूध ज़रूरी होगा हम लेंगे। अभी मैंने ये छोटा एक बाउल लिया है। अब जितना भी ज़रूरत होगी उस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को 1 बाय 1 छान लेंगे। तो इस तरीके की मैंने एक छलनी ली है। अब इसमें मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स छान लूँगी ताकि इसमें कोई लम्ब्स ना रहे। तो 1 बाय 1 करके मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स छान लेती हूँ। पाउडर शुगर इसको आप मिक्सी में चला के आराम से बना सकते हो। हमारे घर में तो जनरली ये बहुत यूज होता है, तो मैंने इसको पहले से ही बना के स्टोर करके रखा था। मिक्सी में चला के मैंने स्टोर कर लिया था। तो हम इसी को छान लेंगे। ये 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर इसको भी हम छान लेंगे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने छान लिया है। अब मैं इसका बैटर, केक का बैटर अब हम रेडी करेंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को छान के और अब हम इसका बैटर रेडी करेंगे। तो हम उससे पहले बैटर रेडी करने से पहले हम बाटी का कुकर या आपके पास जो नॉर्मल प्रेशर कुकर होता है उसको आपको प्री हीट होने के लिए रख देना है। मैं आज बाटी का कुकर यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें मैं उसको प्री हीट होने के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट तक उसको प्री हीट के लिए रख देना है। तो अभी अभी बाटी का कुकर प्री हीट हो रहा है, तब तक हम इसका बैटर रेडी कर देंगे। अभी ये जो हमने चॉकलेट जो मेल्ट की थी उसमें से मैं थोड़ी सी चॉकलेट अलग निकाल लूँगी। ये मैं सिर्फ लास्ट में जब केक बन जाएगा तो उसकी गार्निशिंग के लिए मैं इतनी सी चॉकलेट अलग निकाल रही हूँ। बाकी की ये सारी मेल्टेड चॉकलेट हम यूज़ कर लेंगे केक बनाने में। जैसे कि हम आज ब्राउनी केक बना रहे हैं तो उसमें केक के अंदर बैटर में ही ये चॉकलेट डालेंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि आप केक बना लो और ये सारी चॉकलेट को इसको चॉकलेट गनाश की तरह आप उसके ऊपर गार्निशिंग में ये सारी चॉकलेट यूज़ कर लो और पूरा उस केक को कवर कर लो। तो इट इज़ अप टू यू कि आपको कैसे पसंद है, पर मैं आज ब्राउनी केक बना रही हूँ तो मैं ये सारी चॉकलेट मेल्टेड चॉकलेट में केक के बैटर में ही यूज़ करने वाली हूँ। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने छान के रखे थे हम इसको इस बैटर में डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें हमको जितनी भी मिल्क की जरूरत पड़ेगी उस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे। हम एक साथ सारा मिल्क ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क ऐड करेंगे। अभी मैं जैसे कि इसमें ये डार्क कोको पाउडर डालना अभी मेरा रह गया है, इसको भी हमें छान कर ही डालना है, पर मैं अभी भूल गई थी तो मैं इसको ऊपर से डाल देती हूँ। 1.5 टेबलस्पून जैसा हमको डार्क कोको पाउडर डालना है। इसको भी छान कर ही लेना है, लेकिन मैं भूल गई थी तो कोई बात नहीं, इसमें इतने लम्स नहीं होते हैं तो एक बार हम इसे ले सकते हैं। तो ये 1.5 टेबलस्पून डार्क कोको पाउडर मैंने डाल दिया है और वनीला एसेंस भी हम डाल देंगे इसमें। इसको प्रॉपर मिक्स करेंगे। अभी मैंने जो दूध लिया था वो मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने और ये थोड़ा सा दूध निकाला है, मैं इसको डाल दूंगी तो अब क्या प्रॉपर कंसिस्टेंसी बन जाएगी। मुझे ये स्पून ज़्यादा सेट होती है इसलिए मैं ये इस तरीके की स्पून यूज़ करती हूँ। अदरवाइज आप एक स्पैचुला भी लेके उसे भी ये मिक्स कर सकते हैं उसकी हेल्प से भी, बट मुझे इस तरीके की स्पून भी मुझे सेट होती है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। जस्ट मेक श्योर कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी इसमें कोई लम्स नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए और ये स्टेज होने पर हम इसमें 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि मैंने बेकिंग सोडा लिया है। इतने से अमाउंट में मैंने बेकिंग सोडा लिया है, इसको हम डालेंगे और अब इसको हम कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसको मिक्स करेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसको मिक्स करेंगे। अभी हम केक टिन को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। तो ये बटर लिया है मैंने थोड़ा सा, मैं सब तरफ बटर लगा दूंगी। अब इसमें हमने ये केक टिन में मैदा छिड़क लिया है, इसको हम सब तरफ मैदा फैला देंगे बटर के ऊपर, एंड एक्स्ट्रा जो भी मैदा रह जाता है उसको हम डाल देंगे। अभी ये मैंने राउंड शेप का लिया है केक टिन, बाजार में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के केक टिन और डिफरेंट शेप के भी केक टिन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सब तरफ ये मैदा छिड़क लिया है। अब मैं इसमें ये बैटर डालूंगी। अब हम इसको इस तरीके से टैप करेंगे ताकि कहीं पे भी लम्ब्स हो या कुछ भी हो तो वो निकल जाए। बबल्स वगैरह पड़ जाते हैं कभी कभी, तो हम ऐसे टैप करके सारे लम्ब्स को निकाल देंगे। तो ये अभी हो गया है, आप देख सकते हो, और मेरा कुकर भी प्रीहीट हो गया है। तो यू कैन सी, अब मैं इसको बेक होने के लिए रख दूंगी। बिल्कुल मीडियम आंच पे हमें इसे बेक होने के लिए रखना है। बिल्कुल मीडियम आंच पे हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। अभी हमको इसे 35 से 40 मिनट तक रखना था। अभी 20 मिनट्स हो गए, मैंने इसको एक बार चेक कर लिया है। तो ये साइड में से तो हो गया है ऐसा लग रहा है, बट सेंटर में से अभी भी होना बाकी है। तो साइड में से हुआ है या नहीं, उसके लिए हम इस तरीके की टूथपिक लेंगे, ये डाल के हम देख लेंगे। फिर ये क्लीन टूथपिक बाहर आती है, मतलब कि ये हो गया है। सेंटर में अभी नहीं हुआ है, वो अभी भी थोड़ा बैटल जैसा ही है। तो हम इसको और 15-20 मिनट जैसा रहने देंगे। 15 मिनट में आई थिंक हो जाएगा, तो हम इसको और 15 मिनट रहने देंगे। 35 मिनट में ये केक बन के पूरा रेडी हो जाएगा। तो वापस से इसको रख देते हैं। मुझे अराउंड 38 मिनट्स हो गए हैं। अब हम केक देख लेते हैं। हो चुका है, इसमें हम बीच में टूथपिक डाल के एक बार चेक कर लेंगे। यदि क्लीन वापस आती है मतलब हो चुका है। सो हियर यू कैन सी। तो अब हम स्टव बंद कर देंगे और इसको थोड़ी सी देर यहाँ से निकाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो एक बार ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको केक टिन में से निकालेंगे।